मुझे डॉक्टर अक्षय काफी सुलझे हुए इंसान लगते हैं। और चलो मान लिया कि उनका कोई अफेयर है, तो वो राधिका जैसी औरत के साथ क्यों? नहीं नहीं विजय, मुझे यकीन नहीं होता। ये क्या है? क्या है ये? उसी रेस्टोरेंट का बिल जहाँ मुझसे झूठ बोल के उस राधिका के साथ गए थे। What? अक्षय का फिर राधिका नाम की एक लड़की के साथ चल रहा है। राधिका? अक्षय तो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। वो तुम्हारे दोस्त इरफान मलिक की पेशेंट है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इरफान ये सब करा रहा है? तुम इरफान पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्यों नहीं लगा सकते? तुम अपना दिमाग 6 दिन में लगा रही हो ना, इसके बारे में सोचो। एक राधिका नाम की लड़की है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में पता लगाओ कि ये कौन है, कहाँ रहती है, इसका क्या बिजनेस है, सब कुछ मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में। मैं बहुत जल्द पता लगाता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इरफान भाई को यकीन था कि आप डॉक्टर अक्षय के घर ही जाएंगे। आप कितने दिन रहने वाली है यहाँ? क्या आप सच में कहीं और शिफ्ट होने का ठान चुकी है? देखो शबाना, मैं 2-1 दिन में कोई किराए का मकान फाइनल कर लूंगी और वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन हाँ वापस उस घर में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। नन्निधि, इरफान भाई बहुत अपसेट हैं, बहुत चुपचाप रहने लगे हैं वो। आपके चले जाने से काफी तकलीफ पहुंची है उन्हें। आप तो जानती हैं थे कि कितना मानते हैं वो आपको। प्लीज नन्निधि, एक बार, कम से कम एक बार तो आकर उनसे मिल लीजिए। मुझे यकीन है कि आपके आने से थोड़ी तो राहत मिल जाएगी उन्हें। अगर आपके दिल में इरफान भाई को लेकर कोई जगह ही नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो कम से कम एक बार तो उनसे आकर मिल लीजिए। बाय। वैसे विजय, तुम्हारे इस नर्सिंग होम को देख के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कॉलेज के दिनों में तुम इतनी शर्मीली रिजर्व हुआ करती थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम एक दिन अपना इतना बड़ा नर्सिंग होम चलाओगे। वैसे इस सब का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, उन्होंने ये सब प्लानिंग की और इस नर्सिंग होम को बनवाया। अक्षय? हाँ? ये मेरे कॉलेज मेट है मंजीत, एंड इज माय हस्बैंड डॉक्टर अक्षय सिन्हा। हाय। हाय मंजीत। ये आप ही की तारीफ कर रही थी। कैसे आपने इतना बड़ा अस्पताल बनाया? इसकी आदत गई नहीं हर चीज का क्रेडिट किसी और को देने की। हमारे क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ये। अच्छा, लेकिन इसकी एक ही कमजोरी थी, किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास कर लेती थी। एंड आई एम श्योर आपको इसकी इस आदत के बारे में जरूर पता होगा। तो मुझे ये भी पता है अब इसकी इस आदत को जरूर सुधार भी देंगे। या शोली, एक्सक्यूज मी, मुझे एक्चुअली पेशेंट राउंड्स पे जाना था, तो नाइस मीटिंग यू मंजीत। या सेम है। विजय, जब तुमने अपने हस्बैंड के बारे में बताया मुझे लगा तुम नीलेश के बारे में बात कर रही हो। नीलेश की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। व्हाट? आई एम सॉरी। मैं एक बार अपना प्यार खो चुकी हूँ मंजीत, अब दोबारा ना खो दूं इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। विजया तुम बेफिक्र रहो, जो भी इसके पीछे है ना हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। इरफान, कैसे हो?
हाय दी, कैसे हैं आप? देखिए ना, कल रात से भाई ने कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पी है। इरफान, ये लो चाय पी लो। क्यों आई हो नंदनिया? ये देखने के लिए कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या नहीं? होता है नंदनिया, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज हम पाना चाहें वो हमें मिल ही जाए। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, सोचता था कि कभी ना कभी तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। बहुत बड़ा बेवकूफ था मैं। खैर, तुम जाओ नंदनी, और आइंदा से मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शबाना, नंदनी को यहां तुमने बुलाया था? वो भाई, मैं आपको बताने ही वाली थी। शबाना, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारे इस भाई को ना तो किसी की सिंपैथी की जरूरत है और ना ही किसी के एहसान की? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम जाओ नंदनी, जाओ अपने अक्षय के पास। हाँ हाँ, जाऊंगी, चली जाऊंगी, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, समझे? नंदनी, तुम इधर आओ। क्या हुआ तुम्हें? अब बैठो। तुमने अपनी दवाई ली? मैं पानी लेकर आती हूँ। दवाई तो ली नहीं होगी ना तुमने, क्योंकि ये बॉक्स यहीं छोड़ के चली गई थी। तो तुम ठीक हो ना नंदनी? थैंक यू इरफान, अब मुझे चलना चाहिए। एक मिनट नंदनी, ये तुम्हारी दवाई है। मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ, चलिए। बस इसी बात का डर था मुझे, नंदनी जो कुछ भी कर रही है या जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइफ में, दिन पर दिन उसके दिलो दिमाग पर बोझ बढ़ता जा रहा है और वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कहीं फिर से उसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। दूसरा दिन शुरू हो चुका है, क्या फैसला किया है तुमने? विजया को हमारे बारे में बताने वाले हो या नहीं? मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। अपने बेडरूम से बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझे अंदर आना पड़ेगा।
ही रही। तुम इतनी रात को, क्या इतनी रात को तुम मुझे मैसेज कर रही हो? हाँ, ये कोई टाइम है मैसेज करने का? तो तुम्हें बता दो सही टाइम कौन सा है, तब मैसेज कर दिया करूंगी। अक्षय, बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार नहीं होता मेरे सकते तुम्हारे बिना। नंदनी तुम पागल हो गई, पागल, पूरी तरह से पागल हो तुम। अपने कमरे में जाओ, जिसको बैक टू योर रूम। जहां तक रही बात विजया को बताने की, मैं बता दूंगा, जिसको गो। मेरी बात तो सुनो। लगता है अम्मा जुड़ गई हैं। वेरी गुड। क्या वेरी गुड, उभार आ गई तो अच्छा है ना, तुम्हारा ही काम आसान हो जाएगा, आज ही सबको पता चल जाएगा हमारे बारे में। क्यों पागल हो गई हो तुम? अरे नंदनी, इतनी रात हो गई तुम यहाँ क्या कर रही हो, सोई नहीं? जी वो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बात यह है कि मुझे बार बार विजया की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था ना कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, उसी के बारे में सोच रही थी। इसमें इतने सोचने की क्या बात है, शादी करनी है तो करनी है, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और झट से शादी कर लो। जी लड़का तो मैंने ढूंढ लिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक बार वो हाँ कह दे बस, झट से शादी कर लूंगी। अरे पैसेज की लाइट क्यों ऑन है? अरे हाँ लाइट क्यों ऑन है, बंद कर दीजिए। नंदनी हाँ, तुम जाके सो जाओ ना, बहुत लेट हो गया है। जी गुड नाइट आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा एक बैचमेट पुलिस में है, इंस्पेक्टर मनजीत। उसने मुझसे वादा किया है कि वो उस लड़की राधिका के बारे में पता करके रहेगा। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें अब भी शक है कि डॉक्टर अक्षय का उस राधिका के साथ? नहीं, मुझे मेरे पति पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन लेकिन आजकल की औरतों पे भरोसा नहीं है। मतलब? मैंने बहुत केसेस सुने, आजकल कुछ औरतें इतनी बेशर्म है कि शादीशुदा मर्द से भी अफेयर करती हैं। इसीलिए नंदनी तुम्हें भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, कहीं तुम भी किसी शादीशुदा मर्द के चक्कर में ना फंस जाओ। मजाक कर रही थी। अब मैं कब लेके आती हूँ? क्या करूँ, कह दूँ विजया से कि ये मजाक नहीं है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो मुझे अपना दुश्मन मान लेगी, यही ना? लेकिन अक्षय से रिश्ता भी तो तोड़ लेगी अपना, और यही तो चाहिए मुझे। फिर नहीं नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये घर विजया का है और उसने अपने घर में मुझे रहने के लिए जगह दी है। मैं इतना बड़ा दिल है उसका, मैं ये नहीं नहीं नंदिनी छन्नी
वैसे नंदिनी, तुमने कहा था कि जिसे तुम चाहती हो, तुम चाहती थी उसने किसी और से शादी कर ली, क्या तुम्हें अभी भी उस इंसान से प्यार है? नंदिनी, कहीं यही वजह तो नहीं है कि तुम शादी नहीं करना चाहती? नंदिनी, जो बीत गया उसे भूल जाओ, मानो मेरी बात, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने अतीत को भूलोगी नहीं ना तो तुम्हारे मन को कभी सुकून नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में नए रिश्तों, नई खुशियों को आने दो। नंदिनी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, एक्सक्यूज मी। विजय, अब तुम्हें वो राधिका कभी परेशान नहीं करेगी। थैंक यू सो मच मंजीत, पर पता क्या चला राधिका के बारे में? फिर छानबीन से पता चला है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग पेशा है उसका। ओह। अलग अलग डॉक्टर्स के पास मरीज बन के जाती है और फिर उन्हीं डॉक्टर्स पे इल्जाम लगा दी है कि उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की, बदतमीजी की। ओह नो। ब्लैकमेल करने लगती है उन्हें, और वैसे ज्यादातर डॉक्टर तो बदनामी के डर से पैसे दे देते हैं। एक डॉक्टर ने कभी कंप्लेंट की थी तब वो अरेस्ट हुई, वरना वो पैसा लेकर कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के चली जाती है। बाप रे, ये राधिका बहुत शातिर लगती है। लेकिन उसे तो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि डॉक्टर अक्षय के साथ रोमांस का नाटक कर क्यों रही है। आपने तो कहा अभी कि ये उसका पेशा है। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ और भी एंगल हो इस केस के पीछे, मैं इन्वेस्टिगेट करके देखता हूँ। नहीं नहीं मंजीत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए जितना किया वो काफ़ी है। अरे, पैसेज की लाइट क्यों ऑन है? हाँ, बंद कर दीजिए। आजकल की औरतों पे भरोसा नहीं है। मतलब? आजकल कुछ औरतें इतनी बेशर्म है कि शादीशुदा मर्द से भी अफेयर करती हैं। नंदिनी, तुम्हें भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बोलो। पहले तुम बोलो नंदिनी, कल रात क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? तुमने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि अम्मा जी हमें रंगे हाथों पकड़ लें। It's so stupid of you, नंदिनी। अगर इतनी देर रात हमें कल अम्मा जी देख लेती तो सारी बातें खुल के सामने नहीं आ जाती। मुझे तो कभी अभी लगता है तुम यही चाहती हो। नंदिनी, ऐसे मामले इस तरह से हैंडल नहीं होते। तुम ये क्यों नहीं समझ जाती कि मेरे लिए विजया को डिवोर्स देके तुमसे शादी करना इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है। इनफ इनफ अक्षय, विजया को कुछ नहीं बताओगे तो क्या रखेल बन के रहूं मैं तुम्हारी? इसी वायात बातें कर रही हो तुम। एक बात समझ लो अक्षय, मुझे तुम्हारी पत्नी का दर्जा चाहिए, चाहे जो भी हो। भाड़ में गया ये समाज, भाड़ में गई ये दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें 7 दिन की मोहलत दी थी, अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में अगर तुमने विजया को नहीं बताया तो
अदनी कैसे समझाऊं नंदनी को कि आए दिन विजया के दिल में मेरे लिए प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे लिए उसे नंदनी के बारे में बताना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कैसे समझाऊं उसे?